नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत स्थित नाले में एक अज्ञात लाश देखकर क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। नाले में जली हुई अवस्था में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जो कि लगभग 3 दिन पुरानी नजर आ रही थी। क्षेत्र में उठ रही भयंकर बदबू की वजह से परेशान लोगों ने जब तफ्तीश की, तब उन्हें नाले में पड़ी हुई लाश नजर आई। क्षेत्रीय लोगों ने इस बात की सूचना हनुमान ताल थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर FSL की टीम और पुलिस पहुंची और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि लाश पुरानी होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज जो है अभी लगभग 10-15 मिनट पहले सूचना मिली कि बकरा मंडी के बगल से जो नाला है, उस नाले में एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है। तो सूचना की तस्दीक के लिए हम आगे देखें तो ये लगभग 2-3 दिन पुरानी लाश लग रही है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो है मर्डर भी हो सकता है या फिर नशे में गिर गया हो, वो यहाँ से बगल बगल जा रहा हो। तो ये पूरा जब इसका पंचनामा हो जाएगा और हमारी टीम FSL टीम आ जाए तो उसका PM वगैरह होगा, उसी से पता चल पाएगा। अभी इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है क्योंकि बॉडी डीकम्पोज हो चुकी है पूरी तरीके से, तो देखने में समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। तो गुम इंसान वगैरह आसपास के थानों से मिलान किया जाएगा। फिलहाल जो है नगर निगम की टीम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएँ तो फिर उसको निकलवा के और आगे कार्रवाई की जाए। अभी सर ऐसा कोई गुमशुदगी वाली कोई रिपोर्ट नहीं? गुमशुदगी की तो देखिए लगातार आती ही रहती हैं, तो किस गुमशुदगी से उसका मिलान हो रहा है ये देखा जाएगा। अभी फिलहाल किसी के ऐसा शंका या जाहिर नहीं हुआ है कि एकदम से अचानक कोई गायब हो गया। जैसा भी जो भी होगा वो आगे कार्रवाई बढ़ाने पर ही कहा जा सकता है।